अरे अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या कर गए? अरे 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 कोई पुलिस, कुछ नहीं होगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हम तो बस यहाँ से जा रहे थे तो पीछे से पुलिस पुलिस की आवाज आई तो सोचा आ जाए। अरे अरे पुलिस, ये पुलिस। और हम इस विधवा को जो है विधवाओं के नियम कायदे सिखाने आए। और नहीं तो कहा, किस नियम कानून की बात कर रही है आप? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और अभी तक आप पिछले जमाने की बात कर रही है? अरे इसमें बेचारी औरत का क्या कसूर, अगर उसका पति पहले मर जाए तो? शर्म कर अनुराधा पोडवाल। कौशल कौशल, शर्म कर अनुराधा कौशल। अरे दुनिया समाज लोगों के बारे में कुछ तो सोच। और नहीं तो कहा, भगवान से डर। और नहीं तो कहा। अरे आप लोग खड़े खड़े क्या मुंह देख रही है, इनको बोलते क्यों नहीं? ये सब कौन से पुराने जमाने की बात कर रही है ये? अब माता जी ये तो गलत बात हुआ ना कि सब मीठा मीठा मेरा और सब कड़वा कड़वा तेरा। जो आपको सही जमे वो सही, जो आपको नहीं जमे वो गलत। अब आप जो नियम दूसरी औरतों पर लगाती हैं वो आपके खुद पर भी तो लागू होना चाहिए ना। हाँ माता जी। हाँ तो हम कब रोक रहे हैं किसी को कुछ करने से? मैं ये सब ना करूंगी बाबा। अरे अरे कहाँ 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 भाग रहे हो? अरे भाग, अरे इस उम्र में भागने, अच्छा सो गए, कोई भाग का है का? चलिए चलिए वहां से, कुछ नहीं होगा, चलिए चलिए। ये सब क्या हो रहा है? आइए बहू, मेरी बेटी, वो औरत मेरे बाल काटने वाली थी, मेरा मुंडन करने वाले थे बेटा। आप लोग इन दोनों को रोकते क्यों नहीं इनकी मनमानी करने से? अब सॉरी मैडम, लेकिन ये आपका घरेलू मामला है तो कानून कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक, हमारा घरेलू मामला है ना, तो आप लोग जाइए यहाँ से। और आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेफालतू की बातें करने की इनसे? आपकी जो कोई भी सुनता है उसे जाकर सुनाइए, मेरी माँ जी को नहीं। शर्म करो, अरे विधवा का जीवन है तो ऐसे ही जीना होगा ना, हम क्या गलत कह रहे हैं? कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? और नहीं तो कहा। लोग? कौन से लोग? जब इसके पापा हमें अकेला छोड़कर गुजर गए थे ना, तो आपके सो कॉल्ड लोग हमें सहारा देने, हमारी मदद करने, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने नहीं आए थे। ढेरों जिम्मेदारियां थी मुझ पर इस घर की, पूरी दुनिया से मैं अकेले लड़ रही थी, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। इसलिए जब बात घर की आती है तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे घर वालों के बारे में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उनकी खुशी से फर्क पड़ता है। प्लीज आप दोनों यहां से जा सकते हैं। ठीक है ठीक है, अब इतना कह रहे हो तो चले जाते हैं। चल रामपुरी, राम प्यारी, चलो चलो चलो। का बात है, बहुत नसीब वाली हैं आप जो आपको ऐसी बेटी मिली है। बहू एक ही बात हुआ ना, ये भी ठीक है, चलते हैं। मैडम सर आप फिर से यहाँ, शाम को सगाई है आपका, आप फिर से यहाँ आ गई। हम चाहते हैं कि ये शालिनी वाला केस जल्द से जल्द निपट जाए ताकि आप सब कम से कम सगाई में रिलैक्स होकर एंजॉय करेंगे ना। लेकिन एक इसकी सासू माँ है जो मानने को तैयार ही नहीं है। पर वो मिस्टर समीर, आप यहाँ कैसे? जी मैं ये बताने आया हूँ कि मैं वापस यूएस जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे और शालिनी के रिश्ते को मंजूरी मिलेगी। मिस्टर समीर, हमें ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। आप इस तरह से लड़ाई बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या फायदा, जिसके लिए लड़ी जा रही हो वही लड़ने से इनकार कर रहा हूँ। पर आप ऐसे बुजदिलों की तरह क्यों भाग रहे हैं? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, काम कर रहे हैं उसमें, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि क्या सही है और क्या गलत है, आप समझ रहे हैं? रहने दीजिए करिश्मा सिंह, ये इनका फैसला है, हमें कोई इख्तियार नहीं है दखल देने का। अफसोस कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, अगर कर पाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। हाँ एक चीज जरूर कर सकते हैं, आज शाम को हमारी सगाई है और यह है उसका इनविटेशन,
अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सो प्लीज जरूर आइएगा। जी मुबारक हो, जरूर आऊंगा मैं। चलता। मैडम सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप हार मान गई। करिश्मा सिंह, आपको सच में लगता है कि हमने हार मान ली? हमारी सगाई की केटरिंग कौन कर रहा है? हाँ, वो अम्मी ने बताया था, वो स्वादिष्ट व्यंजन केटर्स करके। स्वादिष्ट व्यंजन केटर्स की जो सुपरवाइजर है वो है शालिनी जी, और हमारी सगाई को भी सुपरवाइज वही कर रही है। आपको समझ में आ रहा है हम क्या सोच रहे हैं? वही हम सोचे कि मैडम सर इतना आसानी से हार मानने वाला चीज नहीं है। इधर देखिए, इधर। हाँ, तो इस सगाई खुशनुमा मौके पर हमने बुलाया स्पेशल मिमिक्री आर्टिस्ट। तुम हो बोलो। ओए, अरे यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहदिल से स्वागत करता हूँ। अरे इस खुशी के मौके पर आप सबके लिए डांस प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, कोई शक? चेंज बाबा, कोई तड़कता फड़कता म्यूजिक लगाइए। लीजिए, आ गई पब्लिक की भारी डिमांड पर हसीना मलिक की अम्मी मोहतरमा नूरजहां बेगम। आइए आइए जहन नसीब, आप आ तो गई। कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तुमसे पूछा? नहीं ना, इससे पूछ रही हूँ। बताना कैसी लग रही हो? अब अम्मी, हमारी भाषा में बोले तो आप एकदम कंचा, एकदम कमाल, पवाल, जलाल, धमाल, एकदम चौचक लग रही हैं। बच्ची देखा, इसको कहते हैं तारीफ। अगर तुमसे पूछ लेती ना तो एक लंबी सी गजल सुना देती और पका देती। न गजल समझ में आती न तारीफ। सगाई की मुबारक घड़ी बीती जा रही है और अनुभव तक नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए ना। एक काम करना, जल्दी पूछ के कहाँ है वो। हम पता करते हैं अम्मी, हम पता करते। आधा बजे अम्मी जान, चलिए डांस करते, चलिए ना, चलिए चलिए। अरे चलिए चलिए चलिए। हेलो मैडम। अरे मैडम बात क्या है, देखिए ना कितनी अच्छी सजावट है और आपकी चेहरे की बनावट क्यों उतर गई? अरे वो अनु भैया फोन नहीं उठा रहे हैं, चाची भी फोन नहीं उठा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझना क्या होता है, सगाई का माहौल है, लोग फोन करके परेशान कर रहे होंगे तो साइलेंट पे कर दिया होगा। वो छोड़िए, आप लड्डू खाइए, ताजा है। नहीं, हम लड़के और लड़की दोनों की तरफ से है ना, तो जवाब कौन देगा? तुम्हारी अम्मा देंगी, हमें देना पड़ेगा ना। तुम दोनों का क्या है, तुम तो नाच के निकल जाओगे। नहीं नहीं मैडम, खाना भी खा के जाएंगे। ऐसे कैसे जाते? एक मिनट, हेलो चाची जी, वो नहीं, हम जाते हैं उनसे मिलने, हम जाते हैं। सुनो मैडम सर पूछेंगे तो कहना कि हम ना सगाई का कुछ सामान लेने अर्जेंट घर गए हैं, ठीक है? किसके घर? किसके? तुम्हारी अम्मा के घर। ठीक है, समझ गया समझ गया। अरे ये करिश्मा सिंह कहाँ चली गई? जरूरी सामान लेने घर गई। आएंगे, आप लड्डू खाइएगा। नहीं नहीं, हमें नहीं खाना। बाबा जो आओ, दूसरों को दो, ठीक है? एक फोटो। हसीना मैम। अरे Congratulations. Thank you so much. आइए आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ। आपसे हमारा परिचय तो है नहीं, असल में हमारी पोती बोली कि चलो तो हम आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए। नहीं नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। हमने ही नंदिनी से कहा था कि आपको जरूर लेकर आए, इतने अच्छे मौके पर बड़ों का जितना आशीर्वाद मिले उतना ही कम है। Hi. समीर जी आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए आइए प्लीज। मैडम सर,
चलिए चलिए डांस की आप लोग क्या कह रहे हैं, हम अपनी सगाई पर कैसे डांस कर सकते हैं? नहीं मैडम सर, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज आपको डांस करना ही पड़ेगा। एक मिनट, अनुभव जी आ जाए उसके बाद करेंगे, ठीक है? अरे आप डांस करना शुरू तो कीजिए, वो बस खींचे चले आएंगे। आपको पता है जब हम नाचना शुरू करते थे ना, लल्ला के पप्पा भी ऐसे ही खींचे चले आते थे। दिखाएं आपको? ना माते, ना ना ना, हम डांस करेंगे। आइए आइए, बिल्कुल आइए आइए आइए। अनुभया, आपको नहीं लगता इस वक्त आपको कहीं और होना चाहिए था? हाँ, हम वहीं जाने वाले थे, लेकिन एक जरूरी काम के सिलसिले में हमें आना पड़ा, बस हम निकल रहे हैं। ठीक है भैया, हम यहाँ इंतजार करते हैं, आप अपना काम निपटा लीजिए, साथ वापस जाएंगे। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें थोड़ा सा समय लगेगा, हम काम खत्म करते हैं फिर आते हैं, आप जाइए ना। नहीं नहीं, आप जितना समय लेना ले लीजिए अनु भैया, हम यहीं बैठे हैं, आपके साथ ही जाएंगे वापस। क्या बचपना है, हमने कहा ना थोड़ा सा काम है, खत्म करके हम आते हैं, आप जाइए। क्या है ना अनु भैया, बचपन में हमने आप इसे ही सीखा है कि जिंदगी में रिश्ते कभी मत बनाना, लेकिन अगर बनाओ तो उसको जिंदगी भर निभाना, मरते दम तक निभाना। सच कहे ना तो हम भी नहीं जानते हमारा मैडम सर के साथ क्या रिश्ता है, कभी कभी ना हमारा मन करता है कि उनके पैरों के नीचे से ना जमीन ऐसा खिसका दे, फिर कभी कभी मन करता है कि आसमान को ना उनके कदमों में ला के बिछा दे। नहीं नहीं पल्ले पड़ता हमको कि हमारा क्या रिश्ता है उनके साथ, लेकिन हाँ एक बात हमको जरूर समझ में आता है कि तकलीफ होता है ना उनको, वो सहन नहीं होता है हमसे। आज बहुत बड़ा दिन है अनु भैया उनके लिए, उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, और हम नहीं चाहेंगे कि उनको इतना सा भी तकलीफ हो, भले ही आज हमें आपके हाथों में हथकड़ी पहनाना पड़े, हम वो भी पहनाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। नहीं जाना हमें किसी सगाई में। अनुभया, नहीं करनी हमें सगाई। सुन लिया ना आपने, अभी हमें जाने दीजिए। नहीं चाची, बताइए हमको कि आप हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, बिना किसी को बताए, बिना मैडम सर को बताए। मां हमको हमको समझ में नहीं आ रहा अनु भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम जानते थे, हमें पता था कि आप हमें यहीं मिलेंगे, इसलिए हम सीधा यहीं आए आपसे पूछने के लिए कि काहे काहे अनु भैया, काहे आप ऐसा कर रहे हैं मैडम सर के साथ? वो वहां आपके नाम का मेहंदी लगाकर आपका इंतजार कर रही हैं। उनको तो कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है, फिर से उनके साथ ये सब क्या होने जा रहा है? काहे अनुप्रिया, काहे आप ऐसा कर रहे हैं उनके साथ, काहे? जिस दिन हमारी सगाई की घोषणा वायरलेस पर हुई थी, उस दिन हमारे बॉस हमसे मिलने आए थे। नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है अनुभव, पूरे देश की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें अगले बुधवार को ही निकलना है, पर इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तुम ये सगाई नहीं कर सकते। पर सर, मजबूरी अनुभव, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस, डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि इस काम से पहले तुम किसी जज्बाती रिश्ते में बंधो और कमजोर पड़ो और इस मिशन को खतरे में डालो। एक अंडरकवर एजेंट को हर बंधन से आजाद होना चाहिए, इस मिशन को हम किसी खतरे में नहीं डाल सकते, सवाल बहुत सी जिंदगियों का है। हम ये सगाई नहीं कर सकते करिश्मा सिंह, नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, आप खुद उनको अपने मुंह से सारी बातें बता दीजिए, फिर जो उनका फैसला होगा ना वो सही फैसला होगा, आप समझ रहे हमारी बात को अनु भैया? अब चलिए हमारे साथ, चलिए अनु भैया। यह असंभव है करिश्मा सिंह। लेकर तो हम जाएंगे भैया आपको, क्योंकि क्या है ना कि हम खुद से वादा कर लिए हैं आप, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपना वादा का कितना पक्की है। ये ना इंसाफी ना हम मैडम सर के साथ नहीं होने देंगे, भले ही हमारा भाई हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो।
संतोष संतोष एक बात बताओ, अनुभव सर कहाँ है? सब कुछ हो गया, वो अभी तक आए नहीं। वो शायद वेट करे नंदिनी का केस खत्म होने का। सुनो हमारी बात तो सुन लो पूरी। अब नंदिनी वाले केस में हम कहाँ पहुँचे? डोंट वरी मैडम सर, दादी वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। अरे ये क्या, वहाँ पे गेस्ट चिल्ला रहे, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए उनको। ये है तुम्हारा सुपरविजन, ऐसा करोगे काम तुम? सॉरी सर, गलती हो गई, अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। गलती तो मेरी हुई, तुम्हें इस जॉब पर रखा, अब तक खाना नहीं रखा, कोल्ड ड्रिंक के लिए चिल्ला रहे लोग, एक जरूरतमंद समझ के तुम्हें नौकरी दी, केटरिंग कंपनी में जॉब दिला दी, सुपरवाइजर बना दिया, लेकिन तुमने तो मेरे मेहरबानियों का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया। सनी है सर, मैं सब करती हूँ। नहीं नहीं ऐसा ही है, वो बोलते हैं ना, जहाँ मिले यूं वहाँ हिले क्यों, तुम्हें तो तुम्हारी हर महीने सैलरी तो मिल जाती है ना, जरूरत क्या है यहाँ वहाँ हाथ पर हिलाने की। क्या बोला था काम मांगते वक्त? सर सर मैं बहुत मेहनत करूंगी, 2400 घंटे काम करूंगी, ये काम कर रही हो तुम? और अब क्या, नौकरी मिलती सारे वादे फुर? सर मैं अभी सरसर मत करो, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो, काम करो, काम करो जल्दी। मैडम जी अरे क्या एक्टिंग की है मैंने, एकदम रियल वाला जेन्युइन परफॉर्मेंस दिया है, जैसे आपने बोला था ना वैसे कोस कोस के बोला है। हाँ हाँ, लेकिन आपने कैसा परफॉर्म किया है वो नतीजे के बाद पता चलेगा, ठीक है? ये है तेरा भविष्य, इस काम पे निर्भर करता है तेरा आने वाला कल, जिसे न बात करने की तमीज, न औरतों के मान मर्यादा का ख्याल, जो कभी भी तुझे नौकरी से निकाल सकता है। तू यहाँ जी सब जगह ऐसे ही, कुछ कड़वे घूंट पीने ही पड़ते। ये देखो ये मैडम जी का गप्पे शप्पे चल रहा है, देखो तुम्हें पगार देता हूँ ये काम करने के लिए, ये पंचायत करने की नहीं। नहीं सर बस। देखो अगर ये 5 मिनट में मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं वरना वरना क्या क्या वरना ए? क्या है जी, आवाज नीची का, तू चुप रह। बहुत देर से मैं इसकी बकवास सुन रही हूँ। अरे नौकरी दी है तो क्या, किसी की भी इज्जत उतारने का लाइसेंस मिल गया इसे? एक बात कान खोल कर सुन, बहू है ये मेरी, ये यहाँ काम करने के लिए आती है, तेरे जैसे गंदे आदमी की बकवास सुनने नहीं। देखो आप बीच में एकदम चुप, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू किसी और की सगाई में खड़ा है। इतना मारूंगी मोटे की तू अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा, समझा? हेलो, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ बस। तुम ऐसे आदमी के साथ नौकरी करती हो? वाह क्या बात है, अगर सास को कोई कुछ कह देता है तो बहू भड़क जाती है, और बहू की आज किसी ने बेइज्जती करने की कोशिश की तो आपने तो उन्हें डरा ही दिया। सच में आप दोनों का प्यार ना एक बहुत अच्छी मिसाल है। माँ जी, जिस दिन आपकी बहू घर में ब्याह कराई थी उसी दिन उसने आपको अपनी माँ मान लिया था, और आप शालिनी जी से कितना प्यार करते हैं हम सब ने देख ही लिया। आज आप हैं, नंदिनी भी है, लेकिन कल कौन होगा इनके साथ? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अकेली रहने के लिए सक्षम नहीं है, हैं, लेकिन किसी का साथ हो तो जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो फिर क्यों हम इस पुरानी सोच में अटके हैं? इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। बेटा इस उम्र में शादी, उम्र और शादी का क्या कनेक्शन है माँ जी? एक औरत की शादी करने की सही उम्र कौन सी होती है ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे या फिर आप तय करेंगे, या फिर वो दो बालिक लोग जिन्होंने अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद किया है और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लिया है वो तय करेंगे। प्यार पाने की, खुशियां पाने की, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोई उम्र नहीं होती। हमें तो लगता है कि इस सब का उम्र, जात पात, स्त्री पुरुष किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, यह आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। 2021 चल रहा है, अब वक्त आ गया है कि हम इस दकियानूसी सोच की बेड़ियों से खुद को आजाद करें, एक नई सोच, एक नई सुबह के साथ इस नए समाज की शुरुआत करें। माँ जी माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते? यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जी, प्यार के साथ जी,
छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज, ये सब कुछ खत्म कीजिए अब, और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए, ये उनका फैसला है। माँ जी माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते? यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जिए, प्यार के साथ जिए। छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज, ये सब कुछ खत्म कीजिए अब, और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए, ये उनका फैसला है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। नहीं माँ जी, समाज क्या कहेगा? नहीं बेटा, अब मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ में जाए दुनिया, दुनिया के रीति रिवाज। अरे ऐसे रीति रिवाजों का क्या करना कि जिसमें जिसमें इंसान अपनी जिंदगी ना जी सकता हो। मुझे भी अब किसी का कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बस तुम दोनों खुश रहो, सुखी रहो। फाइनली ये केस सॉल्व हो गया। अब कुछ बात करना था। हाँ हाँ बोलिए। क्या हुआ, आप कहाँ गई थी? क्या हो गया करिश्मा सिंह? और एक मिनट, अनुभव कहाँ है? हाँ वो बोलिए। सब कुछ छोड़कर चले गए। आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। माँ ना हमेशा से हमें कहती थी मैडम सर, लेकिन हमने कभी उनका बात माना ही नहीं कि जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बहुत अच्छा हुआ कि ये सच अनुभव भैया का आपके सामने आ गया। ऐसा धोखेबाज इंसान आपके लायक ही नहीं था मैडम सर। मैं तो शर्म आती है ऐसे धोखेबाज इंसान को अपना भाई कहते हुए। वो समझ में आ रहा है अब हमको कि वो घर गृहस्थी का जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं थे मैडम सर। वो आप समझ रही हैं बात को? तो शुक्र गुजार है भोलेनाथ के कि सही समय पर सच पता चल गया था कि आप, हमें मालूम है आपको मुश्किल होगा, लेकिन मैडम सर अच्छा यही होगा कि आप ऐसे धोखेबाज इंसान को आप भूल के ना आप अपना आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। आगे का जिंदगी अच्छा होगा मैडम सर। करिश्मा, नहीं ये नहीं हो सकता। अम्मी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी संभालिए अपने आप को। वो प्यार करता है तुमसे। अम्मी उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। अम्मी अम्मी आप देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ तो होगा, कुछ गड़बड़ होगी, वरना वो सगाई में ना आए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
कुछ कुछ काम होगा। अम्मी अभी आप शांत हो जाइए, हम इस बारे में कल इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है? अम्मी आपको बताती हूं, हम आराम से बात करेंगे, प्लीज संभालिए। आप इस तरफ आइए, करीब दो मिनट के लिए आइए, बैठ जाइए। मैडम सर, ठीक है करिश्मा सिंह, अगर आप यही चाहती हैं कि हमें हसीना जी को सच्चाई बता देनी चाहिए तो हम बता देंगे, लेकिन क्या आप ये भी चाहेंगी कि सच्चाई जानने के बाद हसीना जी हमारा इंतजार करने के लिए अपने जीवन के बेहतरीन साल गवा दे? क्योंकि जिस मिशन पर हम जा रहे हैं ना करिश्मा सिंह, उसमें हसीना जी की जान को भी खतरा हो सकता है। दुश्मन हमें झुकाने के लिए उन्हें निशाना बना सकते हैं। क्या हक है हमें उनका जीवन दांव पर लगाने का? क्या हक है हमें उन्हें ऐसा जीवन देने का जिसमें खुशियों की कोई गारंटी नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। शायद कुछ कहानियां हैं करिश्मा सिंह जिनका अंत अधूरापन ही होता है। हसीना जी को हमें भुलाना होगा। जब तक वो इस रिश्ते से जुड़ी रहेंगी, वो हमें कभी नहीं भुला पाएंगी। कभी अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाएंगी। कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगी, कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगी। और ये तभी मुमकिन है करिश्मा सिंह जब वो हमसे नफरत करेंगी, बहुत सारी नफरत। अगर हम उनकी नजरों के आगे गिर जाएंगे तो उन्हें हमें भुलाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। हमारे लिए, हसीना जी के लिए, हसीना जी के आने वाले जीवन के लिए आपको हसीना जी के मन में हमारे लिए घृणा पैदा करनी है। ये एक ही रास्ता है करिश्मा सिंह उनके जिंदगी से दूर जाने का। अब आपको ये करना है। सुनिए सब लोग, आप सब लोग यहाँ आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कुछ घरेलू कारणों की वजह से आज की सगाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। रुकिए, अम्मी आप हमेशा कहा करती थी ना कि इस तरह के मुबारक मौके से लौट जाना अच्छा नहीं होता। आज आप सब यहाँ खुशियां बांटने आए हैं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए हैं, सगाई की रस्म में शरीक होने आए हैं, जश्न मनाने आए, तो फिर यही होगा। आज यहां सगाई होगी। बैठिए बैठिए, बैठिए प्लीज। आज यहां समीर जी और शालिनी जी की सगाई होगी। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। अरे आप सब इतने मायूस क्यों हैं? हमारी सगाई तो टूटी है लेकिन हम अभी जिंदा हैं। म्यूजिक चलाइए प्लीज। करिश्मा सिंह देखिए, जब अरे भौकाल दिखाइए ना, जब आपको दिखाना होता है भौकाल तब आप दिखाती नहीं है।
कीजिए कुछ, जश्न की तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए, जरा माहौल बनाइए। सगाई की रस्म शुरू करें, अंगूठियां नंदिनी को दे दीजिए प्लीज। कुछ छोड़कर चले गए, आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। मैं हूं जोकर, पार्टी टैलेंटेड जोकर। क्या कर रहे हो ये? मजा आ रहा है ये सब करके इकबाल? यहाँ पता नहीं मैडम सर पे क्या बीत रही होगी और तुम ये तमाशा कर रहे हो। कुछ दुख दर्द है कि नहीं इस थाने का? क्या रे, शर्म उरम आता है कि नहीं तुमको? हाँ, कहता है ना कि हम लोग परिवार है, हम सारा थाना वाले लोग तुम्हारा करता धरता है, तो करता धरता के दुख का सरोकार है कि नहीं तुम? वहां मैडम सर पर विपत्ति का पहाड़ टूटा पड़ा है, तुम यहाँ जोकर ही कर रहा है। इंसानियत घोर के पी गया बाबू। अबे इकबाल, ये उम्मीद ना थी भी तुमसे। हाँ बदना, तो क्या उम्मीद थी? क्या उम्मीद थी हमसे कि हम भी तुम लोग तरह से मातम मनाए, मुंह लटका के घूमे? अरे मैडम सर तो दुखी है ही, क्या चाहते हो कि हमें दुखी देख के और भी दुखी हो जाए? कुछ ऐसा करो कि मैडम सर आए तो हमें खुश दिखें और फिर पहले जैसी हो जाए, अपने गम को भुला सके। माहौल थोड़ा नॉर्मल करो, वही कर रहे थे, उसी की प्रैक्टिस। सॉरी इकबाल, गुस्से में ज्यादा बोल दिया, आई एम सो सॉरी। हम भी सॉरी हैं। ठीक है, छोड़ो ये सब, कुछ सोचो क्या करें इसके लिए कि वो पहले जैसी हो जाए। वही करे जो इकबाल तुम कर रहे हो। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कुछ भी करके मैडम सर का ध्यान इस घटना से भटकाना ही होगा, इसलिए आज हम उनकी पसंद की खीर बना के लेके आए हैं। कहते हैं खाना और गाना, ये दोनों चीजें इंसान को बड़े बड़े दुख बुलाने में मदद करता है। देखना हमारे हाथ की बनी हुई खीर खाकर कैसे मैडम सर अपना सारा गम भूल जाएंगे। ऐसे ही बस सामान्य माहौल रखना है हमको, इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई बात नहीं करना उनके आगे जिससे उनका उनका सगाई का घटना याद आए। जी मैडम। मैडम सर आ गई। शादी ब्याह शहनाई सगाई इसका कोई बात नहीं करेगा।
परमिशन दिया यहाँ से आने का? किसी और थाने से परमिशन ली होगी। कई बार लोग शादी से पहले आते नतमस्तक करने के लिए, इस पर बस टाइमिंग गलत है। पूछिए तो सही, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? अपने हाथों से बनाकर लेकर आए हैं काजू की खीर, आपकी पसंदीदा। जल्दी से प्लेट लेकर आ। हाँ, एक मिनट पुष्पा जी, मैडम सर प्लेट में कैसे खीर खाएंगी? ठीक नहीं लगेगा। मतलब प्लेट में कटोरी और चम्मच भी जीते, ऐसे किसी चीज से खाएंगी वो? जा 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 जल्दी लेकर आ जा। मैडम सर आप बैठिए ना। नहीं हम ठीक है पुष्पा जी। मैडम सर वो सामाजिक सेवा केंद्र से कुछ लोग आए थे, आपकी कानून व्यवस्था और सामाजिक कार्यों में जो आपका योगदान रहा है उसके लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। नहीं मतलब हमारे थाना के लिए कितना बड़ा बात है ये, बहुत खुशी का बात है कि हमारा थाना प्रमुख को ऐसा मान दिया जा रहा है, आपको जाना चाहिए। हाँ क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे इसीलिए तो हम खीर बना के लेके आए ना, सबका मुंह मीठा करने के लिए। जीते जा ना जल्दी प्लेट लेकर कटोरी लेकर आओ जा। हाँ, ला ला। आप सबका हो गया तो काम की बात करें। संतोष शर्मा, हमने आपसे उस तिलक नगर के जो सास बहू का जो झगड़ा है उस केस की रिपोर्ट बनाने को कहा था, क्या हुआ? रेडी है मैडम सर। ठीक है लेकर आइए। करिश्मा सिंह। जी 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 मैडम सर। वो जो ज्वेलरी फ्रॉड वाला जो केस है उसके जितने भी विक्टिम्स हैं उसकी लिस्ट बनाने को बना दी। ठीक है लेकर आई। मैडम सर ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। नहीं नहीं अंदर चल के बताओ। मैडम सर खीर। पुष्पा जी ब्रेक रूम का काम हो गया? हाँ अभी खत्म ही। आज खत्म कीजिए। समझ गए ना? संत जी आ गए। संत देखिए मैडम, मुझे तो ये समझ आया है कि मैडम सर ना सदमे की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है, तो उनको कुछ याद ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। काश संतु जी हम अभी ना उफ ये मासूमियत ऐसा बोल पाते, लेकिन अभी हम उफ ये मासूमियत ऐसा नहीं बोल पा रहे। इसका दो वजह है, पहला ये कि मैडम सर थोड़ी सी सैड है, और दूसरा ये कि हमारे ठीक राइट में ना करिश्मा मैडम खड़ी है। जैसे हम उफ ये मासूमियत बोलेंगे ना, इनका ऐसा उल्टा हाथ पड़ेगा, हमारे लिए दुनिया उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हम उफ ये मासूमियत नहीं बोल रहे हैं। तो नाना करके भी चार बार उफ ये मासूमियत तुम बोल चुके हो। क्या बात कर रही है, हम चार बार बोल दिए उफ, ये हमारा पर्सनल मासूमियत। मैया तुम्हारे मासूमियत की। संतु जी देख रही है, संतु जी मार रहे। मैडम सर जो बर्ताव कर रही है ना, वो नहीं चाहती कि हम उनके तकलीफ के बारे में बात करें उनसे। जितना बात करेंगे उन्हें उतना याद आएगा, तो हमें बात नहीं करना है, समझ गए ना? समझ। नहीं हमको तो लगता है उल्टा बात करनी चाहिए। क्या है, बात करने से मन का दर्द हल्का हो जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। अगर मैडम से बात नहीं करेंगे ना तो ये तकलीफ उनको अंदर ही अंदर खा जाएगी। आप अपने जोड़ों के दर्द का जो दवा लेती हैं। अब यहाँ जोड़ों के दर्द की बात कहाँ आ गई बीच में? नहीं वो आपके वो भगतपुरा वाली सहेली है ना, वो क्या नाम है उसका? कौन? वो जो ऐसे ऐसी है ना जो सोडा की बॉटल करके खोल देती दांत से। मैडम हाँ ऐसी है वो, क्या नाम है उसका? सरला। हाँ उसको भी जोड़ों का दर्द है, वो भी सेम दवा लेती है। हाँ लेती है। लेती है ना? उसका दर्द ठीक हुआ? नहीं ना, कहाँ ठीक हुआ अभी तक। काहे नहीं हुआ? अब काहे आप बताइए। काहे कि जो दर्द की दवा आप ले रही हैं, एक दवा से सबका दर्द ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे ही सबका अपना अपना तरीका होता है अपने अपने तकलीफ से निपटने का। कोई बोल बोल के अपने जख्म भर लेता है, तो कोई खामोश रह के ना अपने घाव सी लेता है, या तो कोई थप्पड़ मार मार के और घूसे मार मार के। बाप रे बाप, तू जी आप ऐसे अपना घाव सीती है? हम भी ऐसे ही सीते हैं। सीए? नहीं। तो मैडम सर जो हैं वो अपना तकलीफ अपने तरीके से निपट रही हैं, और हमें लगता है हमें उनका साथ देना चाहिए, समझ गए ना सर? हाँ समझ गए। तो बस शादी शहनाई सगाई ये सब नाम उनके आगे बिल्कुल नहीं लेने हैं, उनको उनका तकलीफ बिल्कुल याद नहीं दिलाना है। एक्सक्यूज मी। हाँ की साया जी कहिए। कल हमारी सगाई थी, हमारी सगाई में हमारा मंगेतर ही नहीं पहुंचा।
जिससे प्यार किया था उसी ने हमें धोखा दे दिया। हमें हसीना मैडम से मिला है। मैडम कहाँ है? हमें कंप्लेन लिखवानी है। मैडम सर अपने केबिन में है। ठीक है मैडम जी। हसीना मैडम, मैडम मैडम हमें रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ वो तो ठीक। आप कहाँ थी संतोष शर्मा? हम यहाँ लैपटॉप लेकर। वो मैडम एनीवेज इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी आप प्लीज बैठिए, बताइए क्या हुआ है आपके साथ। मैडम कल मेरी सगाई थी और मेरा मंगेतर सगाई पर पहुंचा ही नहीं।